अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? गई चलो बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में हूँ मैं बिल्कुल ठीक। अलहमदिल्ला से बात वीडियो फिर से मेरा आज और वीडियो स्टार्ट करने वाले, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन प्रेस कर, ताकि हर वीडियो से आपको बड़ा वक्त मिल सकता है। तो मैंने सोची क्यों नहीं आज अपनी वीडियोज़ का आगाज़ ऐसे ही कर लेती हूँ, और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था हिलने का, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी वीडियोज़ का आगाज़ कर लिया जाए। तो अभी फ़िलहाल वीडियोज़ का आगाज़ हो चुका है, तो मैं हस्बैंड के साथ भी अपनी थोड़ी सी गुफ्तगू करवाऊँ, क्योंकि कल मैंने वीडियोस बनाई नहीं थी और काफ़ी दिनों से हस्बैंड मेरे वीडियोस में आ नहीं रहे थे। मैंने कहा थोड़ी बहुत ना वीडियोस में चल के हस्बैंड को दिखा देनी चाहिए, तो अभी हस्बैंड की तरफ कैमरा मारते हैं, सब बिल्कुल रेडी हो गया, बस थोड़ा सा लेट जाते हैं। अभी फ़िलहाल रेडी होकर लेटे हुए हैं हस्बैंड जी। फ्रेंड्स यहाँ पे हमें लेटी हुई क्योंकि अभी तक हस्बैंड का नहीं बना काम पर जाने के लिए, और 9 से ऊपर टाइम हो गया है। यहाँ पर देखा स्पिंग लेते हैं, नहीं जाने का टाइम अभी नहीं हुआ, बुलेट ही काम चलाते हैं। 10 बजे आना है इसलिए घर से जाएंगे कोई 9:30 बजे, 9:45 बजे पहुँच जाएंगे, फिर 10 बजे काम स्टार्ट कर देंगे। 15 मिनट लग जाते हैं फेरे को, में टाइम भी में उठानी है, मशीन वगैरह को चलाना, लाइटें चलानी, छोटा सा यूनिट है, 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत वीडियो शूट करते रहती हूँ हस्बैंड के साथ, वैसे भी काफ़ी दिन हो गया हस्बैंड के साथ वीडियोस कोई नहीं मैंने शूट की, तो अभी फ़िलहाल मुझे याद है, मैंने कहा क्यों नहीं वीडियोस बना लेती हूँ हस्बैंड। और कल भी मैंने व्लॉग्स नहीं बनाया था कल, क्योंकि मैं बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए फिर मैंने कल वीडियो शूट ही नहीं की। तो आज मैंने सोचा क्यों नहीं बना लिया जाए, तो इसीलिए फिर मैंने कहा आज मैं बना लेती हूँ। कल बारिश हुई थी और काफ़ी अच्छा मौसम बना था, आज तो सुबह बारिश नहीं हुई, वैसे धूप निकल आई है थोड़ी बहुत, तो नाश्ता वगैरह सभी का हो गया पर मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे अभी भूख नहीं थी इसलिए। और सुबह का नाश्ता वैसे भी अम्मी बनाती है, हस्बैंड आजकल काम पर जा रही है तो टिफिन मैं बना कर देती हूँ हस्बैंड को, तो टिफिन वगैरह रेडी हो गया, बस हस्बैंड ने जब जाना है तब जाना है, अभी फिलहाल कोई सीन नहीं है। वैसे भी थोड़ा सा लेट जाते रात के, थोड़ा सा लेट आते सुबह को लेट जाना और रात को लेट आना, सुबह जल्दी जाए तो रात को जल्दी आएंगे, क्या कहेंगे आप? वो सुबह जल्दी चलाते हैं वो, असल जो हमारा काम है शहर की तरफ है, छोटा सा जो शहर ना दुकानें लेट वो ना काम है शहर की तरफ, शहर दुकानें कोई मार्केट कोई 10,000 होता है, दुकानदार घूमने 10,000 घूमती है, हमारा काम ही छोटा सा यूनिट है शहर की तरफ है, वो 10-11 बज जाते हैं काम स्टार्ट हो जाते हैं, 10-2 बजे पहुँचते हैं यहाँ डेली, तो 11 बज जाते हैं, 10:30-11 हो जाते हैं काम स्टार्ट करते हैं, वही रूटीन है शहर वाली, 10-11 बजे दुकानें खुलती हैं, तो फिर साथ में मार्केट कोई भी है ना वहाँ पे, हमारे गाँव वाली बहुत बड़ी मार्केट है, इस वजह से सभी लेट रात को लेट बन जाती है, लेकिन फिर भी हम आ जाते हैं कोई 7:30-8 बजे, 8:30-8 इतने के टाइम पे आ ही जाते हैं, जल्दी बंद हो जाता है हमारे वाला काम, लेकिन खुलता उनके साथ ही है। हम स्टार्ट शहर की तरफ जैसे होता है ना 10-11 ऐसे ही होता है। फ्रेंड्स आज हम बनाने लगे चावल की कढ़ी, तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर कटिंग कर लिया, यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने बना दिया है, तो यहाँ पे आज हम बनाएंगे तसले में बहुत ज़्यादा कढ़ी, तो इसलिए गैस अभी आई नहीं है, हवा आ रही है, तो यहाँ पे ना मैंने चावल काफ़ी देर से भिगो कर रखे हुए, और मौसम इतना ज़बरदस्त बना हुआ है, इतना प्यारा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो आज सुबह भी बारिश अच्छी खासी हो गई थी, तो अभी जल्दी से ना मैं हम बनाते हैं करी चावलों की। तो यहाँ पे हमारी गैस आ गई, तो यहाँ पे हमारी गैस आ गई थी, मैंने अच्छे से वॉश किया था, देखिए अभी धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब गर्म हो रहा है, तो जल्दी से मैं घी ऐड कर देते हैं, तो जल्दी से हम आज बनाएंगे चावलों की कढ़ी, बहुत मज़े की बनती है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रेसिपी। तो इसमें हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे, तो इसको अच्छे से हम गर्म करेंगे, ये मैंने इसलिए बड़ा लिया क्योंकि हम ज़्यादा बना रहे हैं, तो इसीलिए घी को ना अच्छे से हम गर्म कर लें, तो
तो इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया है, इसको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे। फिर इसमें टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दें। यहाँ पे हमारा प्याज हल्का सा ना ब्राउन हो गया है, तो अब हमने इसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट हर कुछ एक साथ ही ऐड कर देंगे कि हमारा प्याज ना जल जाए। तो अब इसमें मैंने तो अब हमने इसको अच्छे से भून लेंगे मसाले को। अब इसमें मैं ना नमक भी ऐड कर देती अपने हिसाब के बराबर अपने जायका। तो यहाँ पे एक नमक चम्मच नमक का लिया मैंने। तो अब काली मिर्च भी साथ ही ऐड कर देती हूँ। तो इसमें हाफ चम्मच हम काली मिर्च ऐड करेंगे। अब इसको ना हल्का हम ना अच्छे से ना भून लेंगे, फिर उसके बाद हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। हल्दी अभी मैं ऐड कर देती हूँ साथ में। तो यहाँ पे हल्दी भी ऐड कर दी मैंने। तो अब इसको अच्छे से हम बुनाई करेंगे, फिर बाद में हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। जैसे हम चावलों का मसाला नहीं रेडी करते अच्छे से बुनाई करके, तो ये भी इसी हिसाब से। इसमें ना अब हम ना बिरयानी मसाला भी ऐड कर देते हैं। लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी थी। अगर आपकी मर्जी है तो आप बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हमें बहुत पसंद आ रही है ना हम बिरयानी मसाला और गरम मसाला भी ऐड करते हैं। तो मैं ना गरम मसाला भी ऐड करती हूँ। तो यहाँ में मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया। अब अच्छे से ना हम बुनाई कर लेते हैं इसकी। फिर हम ना डेढ़ साला पानी ऐड करेंगे और चावल ऐड कर देंगे। वो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और मसाला भी देखिए कितना ज़बरदस्त है। जब मैंने हल्का सा पानी ऐड किया था ना, वो अब हम ना पूरे अच्छे से ना खुशे करके, और घी जब अच्छे से ऊपर आ जाएगा ना तैरा होगा, तो फिर हम ना इसमें पानी ऐड करेंगे। फिर हम पता चल जाएगा कि हमारा मसाला अच्छे से ना भुन चुका है। तो यहाँ पे देखिए घी एक साइड पे हो गया क्योंकि हमारा मसाला अच्छे से हो गया। अब इसमें हमने डेढ़ सारा पानी ऐड कर देते। तो अब चावल भी ऐड कर देते हैं हम साथ में। तो इसमें मैंने ना चावल ऐड कर दिए। और यहाँ पे देखिए पानी जितना ज़्यादा होगा ना उतनी मज़े की कढ़ी बनेगी। तो अब इसके ऊपर मैं ढक्कन दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी चावलों की कढ़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब इसको ना थोड़ी देर के लिए हम दम पे दे देंगे कि थोड़ा सा ये जो पानी है ना थोड़ा सा संघना हो जाए। यह हम पानी बिल्कुल खुशक नहीं करेंगे, बस हल्का सा ही ना इसको थोड़ा सा संघना करेंगे। चावल देखिए कितने मज़े के बने और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और ऐड कर दिया। अब इसको ना 3 से 4 मिनट के लिए दम पे दे देंगे। तो हमारे चावल बिल्कुल चावलों की कली बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं 3 से 4 मिनट हो गए। माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू भी आ रही है। तो हमारी यहाँ पर चावलों की कली बिल्कुल रेडी हो गई है। तो साथ में हम बनाएंगे परांठे। परांठों के साथ चावलों की कढ़ी खाई जाएगी। आप लोग भी कभी ट्राई करना, बहुत मज़े की बनती हैं। तो अब हम नीचे उतारते हैं। ये थोड़ा हम नीचे रखेंगे ना ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ना पानी खुशक हो जाएगा। अब ये ना समझिए कि ज़्यादा पानी है, जब हम नीचे उतार देंगे ना थोड़ी देर बाद खुद ही पानी खुशक होना शुरू हो जाएगा। हम पहले ही खुशक कर लेंगे ना तो फिर ज़्यादा पानी रहेगा नहीं बीच। यहाँ पे देखिए मैंने एक बोला था ना जब हम नीचे उतार देंगे तो पानी ऑटोमेटिक थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैंने ना परांठे वगैरह भी सारे बना लिए हैं।
तो अम्मी अबू को डाल के देती हूँ, एक इसमें डाल देती हूँ बाकी कोली में, क्योंकि चमचों के साथ खाएंगे बहुत मजे की बनी है। तो किचन में मैं बाद में ही क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए भी ले लिए, अब चलते हैं। यहाँ पे हमारा एक परांठा, तो डेढ़ सारी कड़ी, तो इसमें करके खाते हैं, बहुत मज़े की बनी।